नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त मैं चंपारण में मौजूद हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत इसी चंपारण की धरती से की थी। बिहार में सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। आपको पता है लोकसभा की यहाँ 40 सीटें हैं और बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। यानी अगर बीजेपी 400 पार के नारे को हकीकत में बदलना चाहती है तो उसके लिए बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एनडीए में क्या खटपट है? चिराग पासवान ने आज मुजफ्फरपुर में रैली की, शक्ति प्रदर्शन किया और संकेतों की भाषा में उन्होंने कह दिया कि उनकी राहें एनडीए से जुदा भी हो सकती है। तो क्या बीजेपी के लिए बिहार से कोई तनाव की खबर है? दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। ये महज बयान भर नहीं बल्कि वैशाली की धरती से निकला वो संकेत है जो बिहार में एनडीए में शामिल हर दल के माथे पर शिकन लाने वाला है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व। यूं तो पहले ही इस बात के आसार थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं है। वैशाली के साहिबगंज में हुई इस रैली के बाद ये बात और ज्यादा पुख्ता हो गई है। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। वैसे तो चिराग पासवान ने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही ये कहा कि उनकी नाराजगी किससे और किस बात को लेकर है, लेकिन रैली के जरिए चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारे से चिराग पासवान सहमत नहीं है। यही नहीं, चिराग पासवान हाजीपुर सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी का भी दावा हाजीपुर सीट पर ही है। यहां गौर करने वाली बात है कि आखिरी बार 7 मार्च को चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन मीटिंग के बाद बाहर निकले तो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चिराग पासवान 2 मार्च को बेगूसराय में हुई पीएम मोदी की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। दूसरा, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला, तभी से चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एनडीए में जेडीयू की एंट्री का सीधा असर सीट बंटवारे पर पड़ा है। जेडीयू के आने से बीजेपी की सीटों की संख्या भले ही कम नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सीटों की संख्या जरूर कम हो गई है। दरअसल एनडीए के अंदर खाने से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो फॉर्मूला 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लागू किया गया था वो 2024 में नहीं दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों के बीच में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। अब देखिए बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 12 से 14 सीटें दी जा सकती है। एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव जीता था। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल होती है तो उसे भी 1 सीट दी जा सकती है। मतलब साफ है, चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि एनडीए में उन्हें अब ज्यादा हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। नतीजा, अब वो दबाव की राजनीति के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि वैशाली में चिराग पासवान की रैली का खास मकसद शक्ति प्रदर्शन करना था, जिससे एनडीए के दलों को लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ज्यादा सीट देने के लिए मनाया जा सके।
खासकर सीट बंटवारे के तहत हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा और ज्यादा मजबूत किया जा सके। उधर बीजेपी भी कह रही है कि बिहार में एनडीए के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, सीट बंटवारे वाला मसला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। वो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे साथ है और हम सब लोगों ने वो निर्णय ले लिया है और कहीं भी ये एनडीए इंटैक्ट है, इंडी गठबंधन आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते सभी टूट के बिखर जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो चिराग पासवान रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की राह पर हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। आरजेडी के नेता लगातार चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं। ये बात और है कि इस मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वहीं है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान अकेले दम पर भले ही कोई कमाल न दिखा सके, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। ये बात चिराग भी जानते हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता भी। शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बगावत के रास्ते ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे चिराग पासवान को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। उधर महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि एक सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बीच पेच फंस सकता है। मुंबई में जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वहां से उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस नाराज बताई जा रही है और संजय निरुपम ने तो बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई है। जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट और कमोबेश हर एक सीट पर गठबंधन के सहयोगी आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में सीट वाले सियासी संग्राम में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर एनडीए के भीतर सहयोगियों के बीच ठनी हुई है तो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस और शिवसेना के बीच दावेदारी वाला दंगल सार्वजनिक मंच पर आ गया है। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमबीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। ऐसे और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? देखिए, संजय निरुपम जी 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए। संजय निरुपम जी अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े पद पर नहीं है, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठकों में या महाविकास अघाड़ी की बैठकों में संजय निरुपम जी को कांग्रेस पार्टी नहीं बुलाती है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का पारा चढ़ गया। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव की शिवसेना पर जमकर बरसे। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से संजय निरुपम चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि साल 2014 और 19 के चुनाव में उनकी हार हुई थी। संजय निरुपम उत्तर पश्चिम सीट से इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पहले ही अपने उम्मीदवार
का नाम ऐलान करके उनका रास्ता रोक दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी जंग की एक और वजह है। कई चरणों की बैठक के बाद भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा अब तक तय नहीं है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। विपक्षी एकता की दुहाई दे रही कांग्रेस की बेचैनी अब बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अगाड़ी गठबंधन के तहत एक साथ हैं, लेकिन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर तीनों पार्टियों की सहमति नहीं बन पा रही है। इनमें से 6 सीटें मुंबई की हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें से 4 लोकसभा सीटें मुंबई की हैं। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई सेंट्रल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है। अब पेच यह है कि कांग्रेस मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 4 सीट देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस मुंबई में 3 सीट अपने पास रखना चाहती है और अब सीट शेयरिंग का मामला यहीं उलझ गया है। पिछले कुछ दिनों में महाविकास अघाड़ी की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई। यहाँ एक पेज प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष का भी है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने से अब इन दोनों दलों का पारा भी चढ़ने लगा है। हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहाँ पे तालमेल नहीं है, एक दूसरे मांग रहे हैं। 15 सीटें ऐसी है कि जहाँ पर 5 सीटें ऐसी है कि जहाँ पर एनसीपी शरद पवार भी मांग रहा है, कांग्रेस भी मांग रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी मांग रहा है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। शिवसेना उद्धव को 23 सीटें मिलेंगी। फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी VBA को सीट देगी, लेकिन कितनी सीट देगी अभी तय नहीं है। वहीं कांग्रेस को 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी, जबकि शरद पवार की NCP को 10 लोकसभा सीटें मिलेंगी। यहां भी एक पेच है। शरद पवार की पार्टी को 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को देना होगा। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि VBA को कितनी सीट मिलेगी, ये गठबंधन के सीट बंटवारे के वक्त ही तय होना चाहिए। शरद पवार की NCP का भी पक्ष यही है, तो वहीं कांग्रेस अपने लिए 18 लोकसभा सीट चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की राह हर बदलते दिन के साथ कठिन होती जा रही है। ये बात और है कि अभी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यकीन है कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द सुलझ जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है, हाँ वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की जिस सीट पर इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है, उसी सीट को लेकर NDA में भी खींचतान बनी हुई है। महाराष्ट्र में NDA की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं का दावा है कि 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिवसेना ने जीती थी, लिहाजा इस चुनाव में भी ये सीट उसी के खाते में होनी चाहिए। थोड़े दिवस थांबावं, महायुतीच्या संदर्भातली घोषणा लवकरच वरिष्ठ नेते करतील, त्यामुळे ह्या ज्या अफवा आहेत अफवांवर विश्वास ठेवू नये। NDA में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने BJP को 32, शिवसेना को 12
और एनसीपी को 4 सीटें मिलने वाले फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर अभी कुछ भी तय नहीं है। एनडीए हो या इंडिया, हर जगह मामला उलझा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है तो कहीं पर टिकट कटने से नाराजगी बताई जा रही है और दल बदल का नेताओं का खेल शुरू हो चुका है। हरियाणा के हिसार की बात की जाए तो वहां से सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि राजस्थान में कांग्रेस के 32 नेता एक साथ बीजेपी में चले गए। चुनावी मौसम में हरियाणा और राजस्थान से सामने आई ये दो तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस के लिए खुशी से ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली हैं। राजस्थान में कांग्रेस के एक या दो नहीं बल्कि 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, ब्रजपाल मिर्धा और खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। सम्मानीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष बहन ज्योति मिर्धा जी, मुकेश धादी जी, श्रवण बगड़ी जी, दामोदर अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री। बीजेपी में शामिल हुए खिलाड़ी लाल बैरवा पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया था। बैरवा को उम्मीद थी कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में टिकट जरूर देगी, लेकिन नहीं मिला तो पाला बदल लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेस नेताओं ने टिकट के लिए बीजेपी का दामन थामा है। खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि कांग्रेस से आए कई नेताओं को बीजेपी टिकट भी दे सकती है। इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा और महेंद्र सिंह मालवीय को बीजेपी टिकट दे चुकी है। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं महेंद्र सिंह मालवीय को डूंगरपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। यानी कहीं सीट शेयरिंग के पेच के चलते गठबंधन का गणित पलट रहा है तो कहीं सीट के लिए नेता दल बदल रहे हैं। अब ऐसी ही तस्वीर हरियाणा में भी नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने टिकट कटने की अटकलों के बीच पाला बदल लिया है। ब्रजेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दी है। सर, भाजपा छोड़ने के तीन आपने बड़े कारण बताए उसके बाद, लेकिन आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि मन मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिल पा रही थी इसलिए छोड़ा। नहीं, 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 वो कहीं से भी ये जॉइनिंग मेरी आज हुई है, लेकिन मैं संपर्क में काफी समय से हूँ। अब ब्रजेंद्र सिंह भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टिकट के लिए बीजेपी से दूरी नहीं बनाई, लेकिन चर्चा तो यही है। हरियाणा में एनडीए में शामिल जेजेपी हिसार और भिवानी सीट पर दावा कर रही है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर बीजेपी और जेजेपी में समझौता हुआ तो हिसार सीट जेजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा था। खबर है कि ब्रजेंद्र सिंह के पाला बदलने के बाद अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।